हाय गाइज, तो कैसे हो आप सब। तो वेलकम करता हूँ पीआरजी गेमर की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा वो थी हमारी न्यू वेपन रॉयल, जो कि आज रात 12 बजे आपको गेम में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, जो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी अपडेट हमारी गेम में आने वाली है, जो कि एक न्यू हैकर स्टोर और काफ़ी कुछ है। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं फ्री फायर की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो जल्दी से पीआरजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके का यार इवेंट हमारी गेम में आने वाला है, जो कि हैकर स्टोर की तरह ही होगा। तो जिसमें आप बंडल देख सकते हैं, जो पुराना बंडल ये पहले ही हमारी गेम में काफ़ी मरतबा आ चुका है, लेकिन इसके अंदर यार काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम देखेंगे क्या कुछ है। इसके अंदर कुछ गन भी देख सकते हैं, स्कार वगैरह और काफ़ी कुछ। चलें करते हैं क्लिक और देखते हैं कि क्या कुछ है। तो दोस्तों, यार ऊपर एक ऑप्शन आएगा रीलोड का, उसके बाद जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने आपके सामने जो आइटम है वो शो होंगे और वो छुप जाएंगे। उसके बाद आपको एक एक करके बॉक्स को ओपन करना होगा। पहला बॉक्स 9 डायमंड का, फिर 18, यानी कि इसी तरीके आपको 1000 से 1200 डायमंड देने होंगे, तब जाके आप इस जो सारी चीज़ों को क्लेम कर सकोगे। तो दोस्तों, इसमें मज़े की बात यह है कि इसके अंदर आपको परमानेंट गन की स्किन मिलेगी, बंडल मिलेगा, इमोट मिलेगा और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि बंडल वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए तो 1000-1200 डायमंड में अगर इतना कुछ मिलता है तो मैं कहूँगा कि बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं ये गायब हो जाएगा, लेकिन यार सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं इसमें। जो हैकर स्टोर होता है उसमें एक चीज़ या दो चीज़ अच्छी होती है, जैसे गन और जो बंडल, उसके अलावा हर चीज़ बेकार होती है। हम भी चाहते हैं कि यार हमारे सर्वर पे भी ये सेम टू सेम ही आना चाहिए, फ्री फायर कुछ चेंजिंग ना करे तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर होता ही है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग करके फ्री फायर देती है, लेकिन इस मरतबा हम चाहते हैं कि यार सेम टू सेम आना चाहिए। तो दोस्तों, यार बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। आपको पता है कि जो हमारा जो इनकोबेटर आया हुआ है वो गन की स्किन आई है उसके अंदर M10 की, M10-14 की। तो यार उसका ब्लू प्रिंट का एक इवेंट हमारे गेम में आने वाला है, जिसमें हमको येलो टोकन मिल सकते हैं, और वो येलो टोकन काफ़ी दोस्तों के पास ऑलरेडी मौजूद भी हैं। लेकिन जो न्यू इवेंट आने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो छोटे मोटे इवेंट जो कि दूसरे सर्वर से लिए गए मैं आपके साथ शेयर कर लेता। तो गाइज, ये इवेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर M10 का, M10-14 के जो कि ब्लू प्रिंट हमको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरे सर्वर से ली गई है, तो लीक्स होती हैं, कुछ लीक्स कंफर्म हो जाती हैं, कुछ लीक्स कभी कभार रह भी जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों, यार ये देख सकते हैं यहाँ पर आप ऊपर सबसे पहले यो टॉपअप रिवार्ड जो दिखाया जा रहा है, तो टॉपअप रिवार्ड में एवोल्यूशन कॉइन हो सकता है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक दिन पहले बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको कि मैं रास्ते में हूँ, तो हो सकता है कि टॉपअप रिवार्ड में भी ये आ जाए ना, आया समझ लेना ये चीज़ है। तो ये चीज़ का मतलब, ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की है, यानी कि 15 या 20 घंटे पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप टॉपअप रिवार्ड के ऊपर, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अगर आप 1200 डायमंड का टॉपअप करेंगे तो आपको ये गन यानी कि ब्लू प्रिंट मिल सकता है। तो ब्लू प्रिंट 1200 में तो बुरा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी काफ़ी है। तो कम से कम 700-800 में अगर मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसके साथ जो हमें येलो टोकन मिल रहा है, तो यार येलो टोकन का फ़ायदा ये होगा कि हम जो ब्लू प्रिंट है यानी कि येलो टोकन देने के बाद एक येलो टोकन हो जाए और एवोल्यूशन कॉइन देकर हम ब्लू प्रिंट के साथ एक्सचेंज कर सकेंगे। इसलिए ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर 1000 डायमंड भी हो तो तब भी हम यानी कि ग्रीन वाली जो गन की स्किन है वो ले सकेंगे। एक तो हमको जो टॉपअप पे मिल जाएगा ब्लू प्रिंट, बाकी हम जो येलो टोकन है उसे चेंज करके इसको ले सकेंगे। तो इसलिए यार मेरे को ये काफ़ी चीज़ अच्छी लग रही है, अगर ये वाला टॉपअप रिवार्ड आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, जो कि इवेंट निकल के आया, जो कि रेड बॉल इवेंट है। उसके अंदर भी हमें यार काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, चले मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। उस पर आपको जो रेड बॉल होंगे वो इकट्ठी करनी होगी, यानी कि एक गेम प्ले करके 2-3 इस तरह। इस पर आपको मिल सकता है एक फीमेल करेक्टर का बंडल, जो कि पहले भी हमको काफ़ी मरतबा फ्री में मिल चुका है। उसके अलावा इमोट बोर्ड और काफ़ी नीचे गन के क्रेट, तो नीचे परमानेंट गन की स्किन नहीं है, सिर्फ क्रेट आपको मिल सकते हैं, लेकिन बंडल और जो इमोट है इसके अंदर वो चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जो आप इमोट देख रहे हैं ये हमको ऑलरेडी मिल चुका है, तो जो अभी रैंपेज में, तो हो सकता है कि इसकी जगह पर इमोट चेंज हो सकता है, लेकिन बंडल सेम टू सेम यही होगा। तो दोस्तों, यार ये आपको सिर्फ सिंपल गेम प्ले करनी होगी, उसी से आपको रेड बॉल के टोकन मिल जाएंगे। तो बाकी जैसे ही हमारी गेम में कोई इवेंट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय फ्रेंड।